हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बनारस जा रहे हैं अपने घर देवरिया से, जो कि फर्स्ट एसी से जाएंगे और आपको दिखाएंगे। पहली बार मैं फर्स्ट एसी से जा रहा हूं इतनी शॉर्ट दूरी में। ये देखिए, कुछ हमारे स्टेशन बाहर के स्टेशन ऐसा दिखता है, देवरिया का स्टेशन है। और मैं वेटिंग हॉल में जा रहा हूँ क्योंकि मैं 1.5 घंटा पहले आया हूँ। दोस्तों, हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका है और कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है और हम पे 12:30 हो रहा है। तब तक हम इधर ही रुके हुए थे, वेटिंग हॉल में नहीं रुके थे। और ये H1 में मेरी सीट है, ये कुछ यहाँ पे ऐसे दिखता है। स्टेशन पे रात के 12:30 हो रहा है, राइट टाइम ट्रेन है। देखिए वो आ रही है ट्रेन। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। देखिए ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ है। स्लीपर कोच में, जनरल में तो इतना भीड़ था कि पूछिए मत। दोस्तों, हम लोग अंदर चढ़ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, और हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। इधर ये हमारी क्लास है। कुछ टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। टाइम हो रहा है 4:35 और हमारी ट्रेन आ चुकी है, पहुंचने वाली है। घंटा आ चुकी है सिटी पहुंचने वाली। चलिए चलते हैं और अपना बैग सामान वगैरह निकालते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ट्रेन 20 से 25 मिनट की लेट पे चल रही है और वाराणसी सिटी आने में मात्र 10 से 15 मिनट में चली आएगी। और कुछ ये हमारा सेक्शन ये था, आप देख सकते हैं। और ये फर्स्ट एसी कोच था हमारा। और चलिए आज आपको विश्वनाथ टेम्पल दिखाते हैं और घाट वगैरह का दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और अब बाहर निकलने वाला हूं। क्या हुआ? अरे यहाँ पे हटो हटो हटो। मैं चला और अभी आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन अपना, मतलब ये वाराणसी का। बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं बाहर निकल चुका हूं और बाहर से कुछ स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। सुबह 5 बजे के टाइम में हर टाइम अलग अलग तरीके से दिखता है। मान लीजिए दोपहर में आएंगे, दिन में आएंगे तो लाइट कहाँ जलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे काफ़ी ठंडी ज़्यादा नहीं है, काम भर का है ठंडी।
और मैं चलता हूँ बाहर अब। और जितने भी आए ऑटो रिक्शा वगैरह पूछने के लिए, इन सबसे आप मत जाइए। मैं प्रेफर करूँगा कि आप कैब वगैरह कर लीजिए। आपको कहीं जाना है, होटल लेना है, तो खुद ऑनलाइन बुक कर लीजिए। इन सब के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन यहाँ भी एक नकली ट्रेन है और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए।